उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी का मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मनु महाराज के दो बेटे हुए हैं और उनके तीन बेटी हुए हैं जिसको द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड ये मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हम लोगों को सब कहते हैं मां नाम। कहते श्री ब्रह्मा जी अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की थी। अभी कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, जो तपस्या को देख करके साक्षात भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। बोले बेटा ब्रह्मा को बोले ठाकुर जी आपकी चरण में हमें आहे हमें प्रेम और भक्ति प्रदान करो। बोले तथा बोले और कुछ चाहिए? बोले मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थ की इच्छा है ही नहीं, चूंकि आपकी इच्छा है ये संसार की क्रम बढ़नी चाहिए, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं ये संसार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दो शर्त है। बोले क्या शर्त है? आप लोग हट कर बैठ कर सकते। बोले क्या शर्त है? नेता प्रपिश के लिए बोले पहला शर्त है, अगर आप मेरे बालक बन करके आओगे, मेरे संतान बन करके आओगे, फिर तो मैं शादी कर सकता। बोले तथा बोले और कुछ चाहिए? बोले द्वितीय शर्त है, तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, संतान होने का बाद फिर ये संसार में और मैं रहना नहीं चाहता। देखो ध्यान देकर सुनो, इस तरह से देखो, इसलिए हमारे शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्व वनम्रज, मतलब 50 साल को बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, शास्त्र मना करता है। इसलिए 25 साल तक अपना घर गृहस्थी करो, 25 साल तक गुरुकुल में निवास करो, 50 साल तक अपना घर गृहस्थ निभाओ। देखो 50 को बाद में जो अंक आता है, एकावन क्या शब्द आता है? ये बन शब्द आता है, बावन चौवन ये सब के सब बन शब्द आता है। मतलब क्या है? 50 साल हो जाए तो और घर में नहीं रह करके कहाँ जानी चाहिए? वृंदावन, भजन करने के लिए वृंदावन में चले जाओ, नहीं तो घर में बहू आई थी और चाबी काटी लेकर के ना सास को साथ में बहू की लड़ाई हो गई, फिर तो घर में रहते हुए भी एक दूसरे को मुंह देखना नहीं चाहिए। इसलिए लड़ाई होने से पहले बढ़िया है वृंदावन में जाओ और भगवान की भजन करो और भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बोले ठीक है, तथास्तु वरदान दे दिए। अभी श्री कर्दम ऋषि को साथ में मनु महाराज ने कहते श्री माता देवूति को उन्होंने शादी करवा दिया। माता इस ध्यान देकर सुना, जब उन्होंने शादी करवाया बेटी को अच्छे तरह से लिखा पढ़ा करके सीखा। बोले क्या लिखा पढ़ा करके उन्होंने भेजे? बोले देखो सावधान, अपना ससुर घर में जा रहे हो लेकिन वहां पर ठीक से रहा करना, अगर देखना बेटी अगर ससुर घर में जा करके ठीक से रहे और सभी की सेवा शुश्रूषा करे तो क्या बोले? बोले बाप पिता ने कितने बढ़िया शिक्षा दे करके भेजा है। अगर बेटी अगर ससुर घर में जाकर कुछ गड़बड़ी करती है
फिर क्या कहते सास ससुर क्या कहते हैं, बोले तेरे पिता माता ने तेरे को यही लिखा पढ़ा करके सिखाया। किसकी बदनामी, बोले एक तो पिता की वंश का एक ससुर वंश, दोनों वंश का ही बदनामी है। इसलिए उन्होंने अच्छे तरह से, पहले तो फोन था नहीं, थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो गई बस अपना मैया को बोल दे, मैया ऐसे हो रही है, सास ऐसे बोल रही है। इसलिए पहले ना जो शादी कभी डाइवोर्स नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है हर बात बात को घर में पहुंचा देती है और थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई झगड़ा फिर डाइवोर्स का नौ बता जाती है। इसलिए जो मोबाइल है ना ये बड़ी गड़बड़ी करने वाली है, श्री मोबाइल है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की अभी उन्होंने श्री कर्दम ऋषि को साथ में शादी करवा दिए, बहुत कुछ दहेज रूप में दिए। शादी कराने का बाद कर्दम ऋषि फिर भजन में बैठी गई और इतने में माता देवती अपनी पतिव्रता धर्मों को निभाते हुए उन्होंने पति की बड़ी उसने सेवा की, 10 साल तक साधन भजन में बैठी। अभी जब पति जब भोजन नहीं कर रहा है फिर पत्नी कैसे भोजन कर, जब पति स्नान नहीं करता है फिर पत्नी कैसे स्नान कर। देखो जो स्त्री या पति की अपना पति व्रता धर्मों को द्वारा सेवा करते हैं इसका फल देते कितना बड़ा फल है। अभी जब उनको भजन त्रुटि कर्दम ऋषि भूल गए थे हमने कभी शादी किया है, वो भूल गए सामने देखा है कि डोकरी की बुढ़िया बैठी है, बोले तू कौन हो, बोले आप भूल गए हो कभी शादी नहीं किया था, बोले ओ तुम वही देवती हो, बोले हाँ मैं वही देवती हूँ। वो कितने सुंदर थी आकृति देवती सुंदरी, इतने सुंदर थी जब ये अपना आंगन में खेलती थी स्वर्ग के मोहित तो हो जाया करते थे, इतने देखने में सुंदर थी। लेकिन अपना पतिव्रता धर्मों को निभाते हुए उसने ऐसे पति की सेवा की एकदम बुढ़िया बन गया। अभी कर्दम ऋषि प्रसन्न तब उन्होंने संतुष्ट हो गए, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब निकली वो पहले जितने सुंदर थी ना उससे भी और सुंदर बन करके प्रकट हुई, क्यों पति पतिव्रता है, 1000 दास दासियां प्रकट हुई और उतनी उसने पति की प्रसन्नता कर दी। इतने में श्री कर्दम ऋषि एक विमान सृष्टि किए जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस से बहुत एडवांस था, वो विमान का नाम था कामक विमान, मतलब क्या है बोले डीजल की जरूरत नहीं पेट्रोल की जरूरत नहीं, वो जैसे चाहोगे वैसे विमान उड़ेगा। वर्णन आता है वो विमान इतना बड़ा था जिसमें बड़े सुंदर सरोवर बड़े सुंदर बेली चमेली जुई जिसमें फूल खिला हुआ, 4 तरह का कमल का फूल खिला हुआ, जिसमें राजहंस क्रीड़ा करते हैं, जिसमें बैठे तो गर्मी भी नहीं लगेगा सर्दी भी नहीं लगेगी। वो कहते हैं जी विमान में बैठने पर आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप बूढ़ा भी बूढ़ी नहीं होगे। बताओ अभी ऐसे कोई एरोप्लेन निकला है जिसमें बैठ जाओ तो भूख नहीं लगेगी बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं होगा, ऐसे कोई एरोप्लेन अभी निकला है, निकला नहीं ना। और कितने क्रोश तो को विमान बनना आए हैं, इसका मतलब है पहले का जो साइंस थी अभी का साइंस बहुत एडवांस है। अभी कोई इतना कोई एडवांस, पहले ब्रह्मास्त्र था एक ब्रह्मास्त्र, अभी जैसे एटम बम है पहले एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इतने शक्ति थी। अभी उन्होंने माता देवती को उसमें बैठाए और आकाश में भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते करते उनको बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर 9 कन्या जन्मी। कर्दम श्री माता देवती कर्दम ऋषि की बड़ी उन्होंने सेवा की, सेवा की तो साक्षात भगवान श्री कपिल मुनि बन करके आए। बस श्री कपिल भगवान की,
जाएगा पीबे तो जे हे बोलते हां जोर से बोलो बोले श्री कपिल भगवान की जय। पता तो चले भाई कथा हो रही सोच नहीं रहे हो हां। अभी जब नौ तो कन्या जब भगवान स्वयं आए लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी ठाकुर जी तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए उसको बाद में फिर हम भजन करने चले जाएंगे। लेकिन एक घर में जब बेटी जन्म होना पिता माता का पहला कर्तव्य क्या है अपना बेटी को पहले शादी करो सबसे पहला कर्तव्य है। आप लोगों ने लड़कियों को शादी करवा हुए होंगे शादी करवाया कि नहीं आप देखना घर में एक बेटी को शादी करना घर खाली हो जाता है खाली हो जाता है कि नहीं दहेज दे करेंगे। लेकिन श्री ब्रह्मा जी उन्होंने नौ बेटों को साथ में श्री कर्दम ऋषि से मिलने के लिए आए देखा भैया नौ बेटे और नौ बेटी जोड़ी तो बड़ी प्यारी है कहते शुभम शीघ्रम कहते शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। तब उन्होंने नौ बेटियों को एक साथ में शादी करवा दिया घर खाली हो गया। अभी घर में तीन व्यक्ति है पिता माता और बेटा। इतने में कर्दम ऋषि ने उन्हें संन्यास लेकर के चले गए। अभी यहाँ प्रश्न होता है ध्यान से सुनो प्रश्न होता है भैया तुम लोग भजन करने के लिए किसको भजन करने के लिए जा रहे हो बोले भगवान को बोले भगवान तो तेरे घर में ही है भगवान कपिल मुनि बन करके आए ना अरे तुम भजन करने के लिए किसी को जा रहे हो क्यों। तब यहाँ शिक्षा देते हैं बोले जब तक हम साधन भजन नहीं करेंगे जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे अगर भगवान भी हमें दर्शन दे दे उसमें हमारी कोई लाभ नहीं होने वाली। जैसे समझो रावण ने राम को भी देखा देखा कि नहीं रावण ने राम को लेकिन उन्होंने किया क्या राम के साथ में युद्ध किया है ना राम को देखा कि नहीं लक्ष्मण को देखा है ना लेकिन उन्होंने शक्ति शैल की प्रयोग की राम लक्ष्मण को नाग पास बंधन में बांध दिए। कंस भी कृष्ण को दर्शन किया है लेकिन अघासुर बकासुर आदि भेजते रहा मारने के लिए इनकी कोई लाभ नहीं। बैठे हुए तभी भजन करने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी को जब भजन करने के लिए चले गए अभी घर में केवल दो व्यक्ति रह गए माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता है मेरे जो बेटा है ये भगवान है। एक दिन माता देवती अपना बेटा कपिल मुनि के पास में आते हैं बोले बेटा तू तो भगवान है मैं तो स्त्री जाती हूँ मन बड़ा चंचल है तुम बताओ भगवान की भजन में कैसे करें। तब भगवान अपना माँ को उपलक्ष्य करके कहते हैं बोले मन एव मनुष्याना कारण बंधम सैव बोले माँ कि जो मन है यही मन ही बंधन का कारण है और यही मन ही भगवान की मुक्ति का कारण है। जब ये मन को हम मनमोहन में लगा दे ये मन मुक्ति की कारण बन जाती है लेकिन ये मन को जब हम विषय पर लगा दे फिर यही बंधन का कारण बनता। माँ एक काम करो ये मन को तो मनमोहन में भगवान में लगा दो। बोले बेटा बोलना जितना आसानी करना इतना आसानी नहीं है। द्वापर युग में स्वयं अर्जुन कृष्ण को कहते हैं अर्जुन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़ ये मान इतना चंचल है एक मिनट में देखना ये विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा करके आ जाए। यहाँ पर भी कुछ कुछ भक्त लोग भी होंगे जो देखने के लिए यहाँ बैठे हैं लेकिन मन घर में बेटा मन बड़ा चंचल है ना इसलिए बोले मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करो राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी चरणों की तीरज दूरी जो मिली
Oh.
अच्छा साउंड दे दो भैया, बड़ा यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ ये मन को मनमोहन में लगाओ। बोले ये तो मन बड़ा चंचल है, बोले ये चंचल मन को हम भगवान की भजन में कैसे लगा सकते हैं। तो भगवान कहते सबसे सरल उपाय है, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवति हितकर्ण रसायन कथा। बोले माँ मेरे भक्तों का तुम संग करो, मेरी भक्तों के साथ में मेरी जो बीजवती कथा होती है अगर वो कथा को तुम श्रवण कर दे, धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा, उसको बाद में भक्ति में भाव, फिर वही फिर कृष्ण प्राप्त करा दे, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति कराएगी। इसलिए महा संतों को संग करने से अपा वर्ग वर्तमनी, बोले प वर्ग मतलब बोले प और मा, ये जो पांच चीज तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले प मतलब क्या, बोले परिश्रम। बोले ख मतलब क्या, बोले फेन बा ध्यान। कभी कभी संसार में हम इतने कठोर परिश्रम करते हैं मुंह से हमारी झांग निकल जाती है। बोले बा, बोले बा मतलब होता है व्यर्थ का, मतलब बेकार। बोले भा मतलब भाई और मा मतलब मृत्यु। अगर मेरे भक्तों का संग करोगे तो ये सब कुछ सार्थकता हो जाएगा। एक दिन संसार का सारे भय खत्म होकर के एक दिन तुम मेरे धाम को तुम प्राप्त करोगे। इतने में फिर माँ फिर प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बता दिया संतों की संग करो। बोले हाँ, और विशेष करके ये कलयुग में संतों को भी तो समझना बड़ा कठिन है, लेकिन हम संत किसको समझते हैं, जो बहुत मोटे छोटे हो, मोटे मोटे तिलक लगाए हुआ हो, त्रिशूल पकड़ा हुआ हो, गले में मोटी मोटी कंठी धारण करे, हम तो उसको ही संत कहते हैं। जो भगवा कपड़ा पहन ले हम तो उसको ही संत कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मैया क्लियर कर देती हैं, बोले देखो संतों का लक्षण क्या होनी चाहिए। बोले सबका सर्वदेना अजात सत्रव संता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का पहला लक्षण सहन करना, इसलिए जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए पहला लक्षण है सहन शक्ति। ये धर्म भी हो नहीं तो त्यागी संत में हो, पहले हमारी अंदर में सहन शक्ति जरूर होनी चाहिए। हमारी संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर जी। ये दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 24 घंटा ठाकुर को नाम जप करते थे, लेकिन एक मुसलमान मुसलमान थे। इतने में किसने जा करके राजा से शिकायत कर दी, बोले तुमने सुना है ये मुसलमान घर में जन्म लेकर के हिंदुओं का बाणी, ये हरे कृष्ण करता है, अगर इसको शास्त्र नहीं करोगे ना, और जितने सारे मुसलमान धीरे धीरे क्या होंगे, ये भगवान की भजन करना हरे कृष्ण नाम करना शुरू कर देंगे। राजा ने बुलाया, बोले भैया इतने भाग्य से तुमने मुसलमान घर में जन्म लिए, हम हिंदुओं का छाया स्पर्श करने से स्नान करते हैं और तू हिंदुओं का बाणी हरे कृष्ण नाम क्यों करते हो, खबरदार ये हरे कृष्ण नाम नहीं कर सकते हो। उसने कहा देखो कोई भगवान कहते हैं, कोई इसको अल्लाह कहते हैं, कोई इसको गॉड कहते हैं, इनका अलग अलग नाम, लेकिन भगवान तो एक ही है ना, जिसकी मन में अच्छा हो वो उसी नाम को करता है। मैं तो ये हरे कृष्ण नाम को मैं जप करूंगा। बोले अगर ये हरे कृष्ण नाम को नहीं छोड़ोगे तो तुमको गोटी गोटी कर काट डालेंगे। बोले भले ही गोटी गोटी करके काट डालो, मैं भगवान की भक्ति छोड़ने वाला नहीं। वो संतों को 22 मार्केट में बाजार था उस समय में, 5-6 मुसलमान बीन करके यही से उसको प्रहार, यही से उसको मार रहे थे। जितने जोर से मार रहे थे वो संत, उतना जोर जोर से एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे
इतने में स्वयं ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए। बोले सारे मुसलमान को मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन वह संत है। बोले ठाकुर जी ये अज्ञान मूर्ख है, आप इनके अपराध को मत लो, इनके अपराध को माफ कर दो। उसी समय ठाकुर जी उनको पीठ के ऊपर पीठ लगा दिया। ठाकुर जी उनको ऐसे पकड़ लिया, आलिंगन कर लिए, जितने मार है ना सब ठाकुर जी को बन गए। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया, भगवान की जब भक्ति करने जाओगे ना, बोले सत्यम सत्नेन विघ्नाय, अगर आप सच बोलने के लिए जाओ उसमें 100 बाधाएं, जब आप तपस्या करने के लिए जाओ उसमें 1000 बाधाएं हैं, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए जाओगे ना, प्रति पद पद में बाधाएं हैं। मीरा ने जैसे भजन की, सारा दुनिया उसको शत्रु बन गई, लेकिन संतों का जो लक्षण है, भले ही जीवन में जो कुछ अवस्था आ जाए, लेकिन वो कभी भगवान के भजन को कभी नहीं छोड़ते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले तितिक सर्वकारुणिक, बोले उनका दूसरा लक्षण क्या है, बोले संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए बोले संत हृदय नव नीत समाना। बोले सुरहित सर्व देहिना, कहते सभी को एक परिवार मानते हैं। बोले वसुधैव कुटुंबकम, हम एक पिता की सबके सब संतान हैं। इसलिए ये संतों की बड़ी बड़ी लक्षण बताए, लेकिन संतों का कुछ बाहर का लक्षण है, कुछ अंदर का लक्षण होता है। बल्कि इनकी विशेष लक्षण क्या है, उनके अंदर का लक्षण क्या है, बल्कि मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन्ति जयदिना। हाँ, आप ध्यान देकर सुनो, इधर उधर मत देखा करो। ठाकुर जी संतों का लक्षण बता रहे हैं, हम माताएं अच्छे तरह से सुनो। संतों का एक विशेष लक्षण है, मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन्ति, जो भक्ति है ना बहु निष्ठा से भगवान की भक्ति नहीं होती, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरो ना बोल, कहते ना। जैसे गोपियां कहती हैं, जब उद्धव जी ब्रज में आए, गोपियों को ज्ञान की बात बताई, बोले भगवान तो सर्वत्र है, भगवान के लिए क्यों रो रहे हो, भगवान यहाँ क्या नहीं, ध्यान करो ना। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध इस, मन थोड़ी दस बीस है, मन तो एक ही है ना, ये मन तो किसी एक को ही दे सकता, बहुत को नहीं दे सकता, ये बहुत को दे नहीं सकते ये मन को। जैसे एक पतिव्रता नारी, कहते पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, जिसकी एक पति हो, जो पति के चरण में तन मन सब कुछ पति को समर्पण करने, तब तो उसको पतिव्रता कहते हैं ना। कहती जो भक्ति एक पतिव्रता नारी की धर्म, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान खुश नहीं होते हैं। जैसे देखो हनुमान जी, आप बताओ हनुमान जी किसके भक्त थे, भगवान राम की भक्त थे। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, कन्हैया की है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति करते थे। आप देखोगे जितने भक्तों का नाम लोगे ना, एक व्यक्ति को एक निष्ठ होकर के भक्ति करते थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक साधे बहु साधे और सब साधे सब जाए, समझ रहे हो। जो एक निष्ठ होकर के एक को भजन करते हैं, उसको तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन बहु साधे, आज इसी देवता के पास में सोमवार हो गए तो भोले बाबा के पास में गए और बम बम करके दूध चढ़ाए, बोले ठाकुर जी तन मन धन तुम्हारी चरण में। लेकिन जब मंगलवार के आ गए ना, शंकर जी को तरफ में देखे ही नहीं, वो सीधा तो हनुमान के पास में गए, बोले हनुमान जी तन मन धन सब कुछ तेरे चरण में। जब बुधवार आए ना,
हनुमान जी को तरफ में भी देखे सीधा श्री गणेश जी को पास, ये क्या सब देवता बेवकूफ है, ये कुछ जानते नहीं क्या? बोले भैया ये तो कल आकर के मेरे को बोल रहा था तन मन धन तुम्हारे चरण में, ये तो आज मेरे तरफ में देखा ही नहीं, ये क्या ठाकुर को धोखा देना होता है, बेवकूफ बनाना होता है, इसलिए इसको भक्ति भक्ति नहीं कहते हैं, ये खिचड़ी भक्ति है, इसको तरह कोई भी संतुष्ट नहीं होते हैं। देखो ध्यान से सुना, बोले एक समय एक मुसलमान एक हिंदू में लड़ाई हुई, हिंदू ने कहा मेरा भगवान बड़ा, अब मुसलमान का मेरे अल्लाह बड़ा, बोले किसके भगवान बड़ा है, चलो हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपना अपना इष्ट का नाम लेकर के वहां से छलांग लगाएंगे, जो बच जाएगा पता चलेगा भैया उसका भगवान बड़ा। बोले ठीक है, इतने नहीं मुसलमान पेड़ को ऊपर चढ़ा, वो तो एक अल्लाह को पूजा करता है, बोले हे अल्लाह तू अगर सच्चा है ना मैं तेरे नाम को लेकर के मैं छलांग लगाता हूँ, मेरे को रक्षा करना, और वहां से कूदा हो तो वो सही बला होता है। अभी ये हिंदू चढ़ा, इसका तो मन एक महीने, बोले भैया एक बार श्री विघ्न विनाशन श्री गणेश जी को क्यों याद नहीं करे, बोले गणेश जी आपका नाम को लेकर के मैं कूद रहा हूँ, मेरे को लाज बचा। फिर सोचने लग गया भैया उसकी मैया को इतना क्यों याद नहीं कर रही, बोले माँ देवी जी आपका नाम लेकर के मैं कूद रहा हूँ, मेरे को प्राण बचाना। इतने में गणेश तो आए थे, जब देखा माँ देवी को स्मरण कर लग गया, गणेश जी बोले भैया मेरे ऊपर इसको तो विश्वास है कि गणेश जी गए। इतने में माँ देवी आ गई, इतने में बोले भैया एक बार शंकर जी को क्यों स्मरण न करें, एक एक कर सारे देवता का नाम लिया, उदा का हाथ प्यासा टूट गया। जब उसने ऊपर में गया पूछे, बोले आप लोग का नाम को लेकर मैं कूद रहा था, आप लोगों ने रक्षा करने क्यों नहीं आए, बोले हम तो रक्षा करने के लिए तैयार ही थे, लेकिन तू तो एक मन से हमें पुकारा नहीं, पहले उसको पुकारने लगे फिर उसको पुकारे, और उस लाश में कोई बचाने के लिए नहीं आए। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, ऐसे अगर हम बुलाएंगे तो भैया कोई बचाने के लिए नहीं आए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई सीए कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, सक्सेसफुल कब होते हैं, जब एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करे तब उसके नौकरी मिलता है, जो किसको थोड़ा पढ़ाई उसको थोड़ा पढ़ाई उसको थोड़ा पढ़ाई करे गलत हो जाएगा। हाँ देखो भैया ऐसे ऐसे कौन सा देवता है जो एक देवता को हम पूजे सबकी पूजा हो जाए, ऐसे कौन वो देवता है? कहते भैया ये जो बांके बिहारी है ना, भगवान जो कृष्ण है, ये ऐसे एक देवता है जिनको पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, जो आए ना उनको बोले सामान को नीचे रखे, तो बरात कहाँ गया, तो सामने बरात थी, वो बरात को सामने सबके सब रखे हुए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए सामान सामान वहीं पर जो आए ना रखने पर, जो आए बोलना सामान इसमें रखे, ठीक है माता जी, जो आए बोलना ऊपर को ये बताए, अब वही आदमी वहीं पर करो, जो आए उनको बोलो सामान को वहीं पर भरे, माता जी सामने जो बैठे हो सबको बोलना सामान वहीं पर रखे, ऊपर कोई नहीं आए। बस श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय। इसलिए भक्ति हमारी एक अनिष्ट होनी चाहिए। भगवान जो बांके बिहारी है, आप लोग महाभारत देखे होंगे, देखे हो महाभारत, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, ये चीज को समझ जाओ, बोले हे अर्जुन जिसको तुम शंकर कहते हो, देखो शंकर मेरे नहीं है, जिसको तुम माँ देवी कहते हो, देखो देवी मेरे नहीं है, जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो वो गणेश मेरे नहीं है, जिसको तुम हनुमान कहते हो, देखो हनुमान मेरे नहीं, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो,
हे अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मेरे को छोड़ करके जगत में कोई पर तत्व नहीं, विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ मालिक मैं हूँ। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, बोले पाप तो नहीं लगेगा। कृष्ण फिर दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, अर्जुन कोई चिंता मत करो क्योंकि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त दिला दूंगा, मां सोचो कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं भक्ति एक अनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। आप बोलोगे अरे भगवान कोई अकेला कृष्ण को पूजा करे, ये सब जितने देवादेवी देखो सबको सम्मान, इसको असम्मान नहीं करनी चाहिए। जैसे घर में एक बेटी शादी होकर के आती है लेकिन अपना ससुर को भी सेवा करती है, सास को भी सेवा करती है, ननद को भी सम्मान देती है और देवर को भी सम्मान देती नहीं, सबको देती है लेकिन हृदय में किसको बैठा कर करती है, और बोलो हृदय में किसको बैठाती है, हृदय में और किसको स्थान देती है क्या? अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा किसको लेकर अलग हो जाती है, और बता किसको लेकर अलग हो जाती है, पति को लेकर के ना, हृदय में पति के सिवाय और किसी को वो स्थान नहीं देती है, सबको ऊपर से सम्मान देती है लेकिन हृदय में किसको बैठाती है, अपना पति को ही हृदय में बैठाती है। उसी तरह सबका सम्मान दो लेकिन हृदय में किसको बैठाओ, जो लड्डू गोपाल बैठे है ना भगवान कृष्ण, इन्हीं को ही अपना हृदय में इन्हीं को ही बैठाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। भगवान ने अपना मैया को उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात दी, बोले मैया भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, बोले अहो बत सपोज अतो गरिया जत जिहाग्र वर्तते नाम दुभ्यम। देखो जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, ठाकुर जी कितने महिमा उनकी बताते, ध्यान देकर सुनो, बोले अहो, अहो मतलब आश्चर्य की बात, क्या आश्चर्य की बात है, बोले जत जिहाग्र वर्तते नाम दुभ्यम, बोले संपूर्ण जिह्वा नहीं जिसकी जिह्वाग्र में भगवान के नाम उच्चारण होता है, बोले माँ कितने सौभाग्यवान है। अगर वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ते की मांस खाने वाले क्यों नहीं हो, अगर इसकी जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है उसको क्या समझनी चाहिए, उसने पूर्व जन्म में चार काम करके आया है। बोले चार काम किया है, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है और 1 अरब 100 करोड़ में 1 अरब होता है, बोले 600 करोड़ तीर्थ उसने पूर्व जन्म में भ्रमण कर चुका है। दूसरा काम किया, बोले जितने तरह का तपस्या है सारे तपस्या पूर्व जन्म में कर चुका है। तीसरा काम, पूर्व जन्म में जितने दान स्कूल कॉलेज खोलना हॉस्पिटल खोलना अन्न छत्र खोलना, पूर्व जन्म में जितने सारे दान पुण्य कर चुका, और जो चौथा काम है पूर्व जन्म में जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं, बात कई यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, ये पूर्व जन्म में सारे यज्ञ उसने कर चुका पूर्व जन्म में, तब भी इसी जीवन में इसी की जिह्वा में ठाकुर को नाम ग्रहण कर रहा है। इसलिए एक बार भगवान का नाम लो, प्रभु का नाम लेते ही समझो सारे तीर्थ तुम्हारी हो जाएगी दान पुण्य। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
प्रजापति की शादी हुई, लेकिन ये प्रभुता पाई का मदना। जब ब्रह्मा जी इनको दक्ष प्रजापति पद में नियुक्त की, बड़ा अहंकारी हो गए। एक दिन कुंभ मेला में सारे देवता लोग बैठे हुए थे, शंकर स्वयं दक्ष प्रजापति जान बुझ करके एकदम लास्ट में आए, सबके सब खड़े होकर के स्वागत किया। शंकर जी ऐसे ऐसे कर देख रहे थे, दक्ष प्रजापति ऐसे देख रहे थे, मेरे को देख कर कौन खड़ा होता है कौन खड़ा नहीं होता है। देखा समस्त देवा देवी तक खड़े हुए, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी एक शंकर जी। इतने में दक्ष प्रजापति सोचा कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारे पिता जी लगते हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए। लेकिन ये शंकर तो मेरे दामाद है, और सबसे जो छोटी बेटी मेरी सती, सबसे जो प्यारी सुंदरी, ये ब्रह्मा जी बोलने पर मैं अपना बेटी को उनको दे दिया, नहीं तो इसको मैं नहीं देता। लेकिन मैं तो पिताजी का बराबर हूँ, लेकिन मैं यज्ञ में आया तो एक बार खड़े होकर के मेरे को प्रणाम तक भी नहीं किए। इतने शंकर जी को उन्होंने गाली दिए, इतने शंकर जी को गाली दिए। अगर किसको गाली दो ना, शंकर जी बैठे बैठे कर तो मुस्कुरा रहे थे। अगर किसको गाली दो, अगर कोई मुस्कुराए कर क्या और क्रोध आएगा। शंकर जी को गाली देने लग गए, बोले जितने शंकर जी के भक्त हो गए ना, शंकर जी के बोले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सबके सब हो गए। बोले भव व्रता धरा जे चतानो समान व्रता पाखंडी नस्ते भवंतो सत शास्त्र परिपंथिना। जितने शंकर जी के भक्त को गाली देने लग गए, बोले जो शंकर जी के भक्त बनेंगे धतुरा गंजा भांग खाएंगे, शमशान में रहेंगे, शरीर में राख मलेंगे, भ्रष्टाचार बनेंगे, पाखंडी बनेंगे। इतने में शंकर जी सुन सुनकर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वहां पर नंदी था, बोले हरि हर निंदा सुनय जे काना होए पाप महाघात समाना। शंकर अगर तीसरे नेत्र खोल दे तो ध्वंस हो जाएगा। शंकर जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हो। इतने में नंदी तक खड़े होकर के उन्होंने किया कि जितने शंकर जी को अभिशाप, श्री दक्ष प्रजापति को अभिशाप दिया, बोले तेरा गला कट जाएगा, वहां पर छाप की बकरी की सर लग जाएगी। इतना सुनते ही भृगु ऋषि बैठा हुआ था, भृगु ऋषि बैठा हुआ था, बोले ये ससुर दामाद की लड़ाई तुम कौन होता है बोलने वाले। भृगु ऋषि भी अभिशाप देने लग गए। इतने में नंदी भी बोले देखो कलयुग में जितने ब्राह्मण होंगे सब भीख मंगा होकर के दर दर भटकते रहेंगे। ये सपा सापी होने लग गया। शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप होकर के शंकर जी वहां से चले गए। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बड़े शिक्षा की बात है, क्योंकि एक तरफ में नंदी अभिशाप, दूसरे तरफ में भृगु ऋषि की अभिशाप, ये अभिशाप कभी नष्ट नहीं होगा। फिर एक दूसरे को अभिशाप क्यों दिए, इसका क्या रहस्य है? कहते जो शंकर जी के भक्तों को जो अभिशाप दिया है, शंकर जी का दो रूप है, एक है इनकी सदाशिव स्वरूप और एक उनका रुद्र स्वरूप है। कहते शंकर जी की सदाशिव स्वरूप को भजन करनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी सदाशिव स्वरूप में ये जगत को सृष्टि करते, शंकर जी आदि गुरु है, क्योंकि शंकर जी की कृपा के बगैर किसको भक्ति नहीं मिलने वाली। आप देखो हनुमान जी को शंकर हनुमान बनकर के आए, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। वृंदावन में जाओगे देखो कि शंकर जी गोपी स्वरूप में बैठे हुए, इनके आदर्श के बगैर कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता है। शंकर जी गुरु है, शंकर जी इनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है।
लेकिन अगर कोई सदा शिव स्वरूप का भजन करेगा शंकर जी, उनको भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति देते हैं और भगवत धाम प्राप्त करा देते हैं। लेकिन अगर उनको रुद्र स्वरूप को उपासना करोगे, जैसे जैसे रावण पवित्र शंकर जी की तो पूजा की, भस्मासुर को देखो, बाणासुर को देखो, जितने राक्षसों को देखो, वो भी तो शंकर जी को भक्ति की, लेकिन इनको भक्ति नहीं मिली। इनके अंदर में क्रोध काम लोभ बड़े, इनके अंदर में बड़ी ईर्षा द्वेष माता सीता को उठा लेने के। रावण भस्मासुर ने भगवान शंकर जी बोले वर मांगो, बोले इतने सुंदर स्त्री शंकर जी को पास में क्या करेगा, पहले इसको मारो शंकर जी को। बोले जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो जल कर राग बन जाए, शंकर जी वरदान दे दिया। बोले परीक्षा किसके करे, बोले फिर शंकर जी के सिर पर। ए शंकर जी को पीछा किया, शंकर भागे कहां से, शंकर जी भागे और वृकासुर पीछा नहीं छोड़ रहे। इतने में स्वयं विष्णु के शरण में गए, बोले प्रभु ये दुष्ट से मेरे को बचाओ। इतने में भगवान प्रकट हो गए, बोले कहां भाग रहे हो, बोले शंकर जी मेरे को वरदान दिया जिसके सर को ऊपर हाथ रखे उसका ही विनाश हो जाए, जल करके राख हो जाए, मैं परीक्षा करना चाह रहा हूं, ये तो भाग रहे। बोले तू भी पागल, शंकर भी पागल, अरे इनको ऊपर में दक्ष प्रजापति का जब से अभिशाप मिलाना, सारे इनकी वरदान सब नष्ट हो गया। तू अपना सर पर हाथ रख कर देखो ना, बोले अगर जल करके राख बन जाएगा तो बोले पागल थोड़ा दूर कर, गर्मी आने से पहले पता चलेगा ना, हाथ रखो। वृकासुर ने हाथ रखा, बोले गर्मी आ रही है, बोले कुछ नहीं आ रही, बोले और पूरा नीचे करो, बोले गर्मी आ रही है, बोले कुछ नहीं, बोले पूरा हाथ रखते ही जल करके वहीं पर रात हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शंकर जी की रुद्र स्वरूप को भजन नहीं करके उनकी सदाशिव स्वरूप को भजन करनी चाहिए और उनकी कृपा से जीव को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर नंदी ने अभिशाप दिया, बोले किसको, बोले ब्राह्मणों को अभिशाप दिया। हाँ देखो ये चीज को समझो, कहते एक है कर्मकांडी ब्राह्मण है और एक होते हैं भक्त ब्राह्मण है। ये जो अभिशाप है ये कर्मकांडी ब्राह्मण को प्रति, भक्त ब्राह्मण का प्रति नहीं है। भगवान की जो भक्ति करने वाले, ठाकुर को जो भजन करने वाले, वो तो वैष्णव है। इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मण को प्रति अभिशाप, ये भक्त ब्राह्मण का प्रति अभिशाप नहीं। इतने में फिर दक्ष प्रजापति कनखल में हरिद्वार में फिर यज्ञ किया, सबको तो निमंत्रण दिया लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। इतने में पार्वती ने प्रार्थना की, बोले प्रभु देखो ये सबके सब पिताजी के घर में जा रहे हैं, चलो हम भी दोनों चलते हैं, पिताजी हमें कपड़े देंगे, गहना अलंकार देंगे। शंकर जी बोले देखो मेरे पास में कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया। बोले देखो ऐसे कुछ स्थान है जहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर, बोले जैसे ठाकुर के दरबार में, पिताजी के घर में, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, बेटी को पिता निमंत्रण दे तभी पिता आए, बेटी कभी भी पिताजी घर में जा सकती है और गुरु जी के दरबार में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, चलो हम चलते हैं। शंकर जाने के लिए तैयारी नहीं हुए और माता सती उसने क्या की, शंकर जी की बिना आदेश से उन्होंने गई, लेकिन वहां पर देखा सभी के लिए यज्ञ भाग है लेकिन केवल श्री शंकर जी के लिए यज्ञ भाग नहीं। और वहीं पर सती को बड़ा क्रोध आया और वहीं पर जोगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपना शरीर को वहीं पर उन्होंने त्याग दिया। इतना देखते ही जितने शंकर जी की भक्त सब के सब बिगड़ गए, मारपीट करना शुरू किया। इतने में भृगु ऋषि ने ऋगु नाम किसी व्यक्ति को प्रकट की, उन लोगों ने शंकर जी के भक्तों को मार मार कर भगा दिया। इतने में शंकर जी को पास में शिकायत की तो शंकर जी जटा उखार करके पटक दिया तो वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है, बोले जाओ दक्ष प्रजापति यज्ञ को तसनत कर दो और जा करके जितने वहां पर ब्राह्मण देवता लोग थे
किसकी हाथ तोड़े, किसकी पैर तोड़े, किसकी आंख निकाल दिए, किसके मूंछ को उखाड़ दिए, और इतने बुरी स्थिति की, और दक्ष प्रजापति का गला काट करके उन्होंने जगह में स्वार कर दिया। देखो यहाँ क्या संख्या देते हैं, बोले शंकर जी कौन है, बोले शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान के सबसे प्रिय भक्त भगवान श्री भोले बाबा। अगर कोई शंकर जी को अपमान करे, जितने हम बड़े से बड़े क्यों नहीं हो, अगर कोई शंकर जी को अपमान करे भैया उसको फेर नहीं, रक्षा नहीं। जो लोग शंकर जी के अपमान में जो उसी समय आंख दिखा रहे थे आंख निकाल दिए, जो दाढ़ी हिला रहे थे दाढ़ी को उखाड़ दिए, कहते भैया कभी भी शंकर जी को अपमान नहीं करनी चाहिए। बोले श्री भोले बाबा की जय हो। फिर श्री ब्रह्मा जी आकर के बकरी का सर लगा दिए श्री दक्ष प्रजापति को सर पर, फिर यज्ञ को उन्होंने पूरी की, फिर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी से क्षमा प्रार्थना चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले श्री मनु महाराज का जो दो बेटे थे, एक उत्थानपाद और एक प्रियव्रत, कहते ये उत्थानपाद के दो रानी हुए, कहते एक है सुरुचि और एक है सुनीति। कहते जो सुनीति का जो बेटा हुआ ध्रुव है और सुरुचि का जो बेटा हुआ श्री उत्तम हुआ। देखो ध्यान देकर सुना, कहते ये उत्थानपाद कौन है, ये उत्थान पाप का मतलब क्या होता है, बल्कि उत्थान मतलब होता है ऊपर, पाप मतलब होता है प्यार। देखना जब कोई जीव वो मातृ गर्भ में आता है कैसे आता है, प्यार ऊंचा करके और सर नीचा करके आता है। मानो ये जीव ही उत्थान पाप है, लेकिन इनकी दो पत्नी बल्कि एक सुनृति और एक सुरुचि। बल्कि सुनृति मतलब क्या, बोले जिसकी नीति अच्छी नीति है, उत्तम नीति। अगर जीवन में कोई उत्तम नीतियों को पालन करे, जीवन में सदाचार को पालन करे, तो उसका बेटा क्या होगा, बोले ध्रुव होगा। ध्रुव मतलब क्या है, सत्य है, नित्य शास्त्र। दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि, बोले सुरुचि मतलब क्या होता है, बोले स्वस्य रुचि। जो शास्त्र का कोई विधि विधान को मानने वाले नहीं, अपना मनमानी ढंग से जो चलने वाले, इसलिए ये राजा जब इसको शादी किए ना, ये घर में आते ही बोले देखो महाराज अगर घर में ये सुनीति रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, पहले घर से उसको निकाल दो, उसको जंगल में स्थान दो। अभी नई नई रानी है, हैं नई नई रानी, राजा ने देखा अगर रानी की कथा नहीं सुने तो फिर रानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो पत्नी पहले कैसे लगती है, पहले पत्नी लगती है चंद्रमुखी। जब पहले शादी होती है पत्नी कैसे लगती है, चंद्रमुखी, मतलब एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा हमारे पास में। आप देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में बन जाती सूर्यमुखी, कोई सूर्यमुखी कुछ दिन बाद में बढ़ जाते ज्वालामुखी। फिर तो लड़ाई झगड़ा, एक बार दूसरे दूसरे से फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पहले सुनीति थी चंद्रमुखी, अभी पुरानी हो गई, घर में नई रानी आएंगे, इसलिए अभी ये चंद्रमुखी लग रही थी। इसलिए राजा ने किया कि ये सुरुचि की बात सुन करके उन्होंने सुनीति को उन्होंने जंगल में भेज दिया। एक दिन उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ था, अभी बच्चों का स्वभाव है, उसको देख करके ध्रुव जी के मन में भी इच्छा हुई मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। जब उसने गोद में बैठने के लिए गया, इतने में जो सुनती ऐसे गाली थी, बोले खबरदार पिताजी की गोद में तो बैठ नहीं सकते हो, तेरे को इतनी हिम्मत कैसे हो गया पिताजी की गोद में बैठोगे, अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करके मेरे कोख से जन्म ग्रहण करने पर तभी पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। लेकिन वो तो क्षत्रिय बच्चा था,
इतना सुन करके इतने कष्ट, सोच रहा था शायद पिता कुछ बोलेंगे, लेकिन पिता चुपचाप कुछ बोलेंगे क्योंकि छोटे रानी के प्रेम में वसीभूत है। इतने में रो रो करके माँ के पास में आई, लेकिन माँ कौन थी, बोले सूरनी थी। लेकिन अभी का माँ होता ना, क्या करता अभी का माँ होता तो बोले तुम विद्रोह करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बड़ी रानी हूं, बड़ी रानी का तू बेटा राज सिंहासन में तेरे ही अधिकार है, विद्रोह करना शुरू कर दो। लेकिन वो थी सुनीति, वो सुरुच नहीं सुनीति थी। लेकिन उसने कहा देखो तेरे मैया ने जो बात बताई सही बात बताई, देख बेटा अगर कोई चीज भाग्य में नहीं होना बेटा उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तेरी मैया एक अच्छी बात बताएगी, भगवान की भजन करके मेरे कोख से जन्म ले, उसकी कोख से जन्म लेने से कोई लाभ नहीं, अगर भजन करना तो जा भगवान की भजन कर बेटा। ये पिता कब तक रहेंगे, ये राजन तो कब तक रहेगा, अगर तुम भगवान की भजन करोगे, इसी पिता से करोड़ गुण प्रेम देने वाले ठाकुर जी है, भगवान को तुम भजन करो। बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं, बोले बेटा भगवान को तपस्या करने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा प्रभु को प्राप्त करने के लिए। बोले माँ मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मेरे को जो आशीर्वाद दे मैं तेरे को राजमाता बनाऊंगा, मैं स्वयं सम्राट बनूंगा। उन्होंने माँ को आशीर्वाद, माँ को प्रणाम किया, मैया को परिक्रमा की। देखो अगर घर में कोई काम हम करते हैं ना, अगर सवेरे उठ करके पिता माता को अगर हम प्रणाम करते हैं, ए बच्चों बढ़िया सो, बढ़िया खड़े बताओ बढ़िया सो, देखो नियम है अगर हम अपना पिता माता को प्रणाम करते हैं, पिता माता को आशीर्वाद लेते हैं ना। अब रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, बोले प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु न मई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे, देखे कि नहीं। जब दशरथ महाराज शयन किए होते ही उसी समय में भगवान राम दशरथ महाराज की चरण की सेवा करते थे, पिताजी की सेवा करते थे। ठाकुर जी क्या शिक्षा देते हैं, पिता माता की आदेश पालन करनी चाहिए और पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए। जो रोज सवेरे उठ करके पिता माता को प्रणाम करेगा, देखना प्रणाम करने पर पिता माता के हृदय से आशीर्वाद निकलता निकलता कि नहीं। यदि अगर हमारे भाग्य कुछ उल्टा पुल्टा हो, अगर पिता माता की आशीर्वाद मिले ना, यदि ये भाग्य जो अगर कोई उल्टा पुल्टा हो तो सीधा हो जाते हैं, अगर उल्टा पुल्टा होना सीधा हो जाती है। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करनी चाहिए, बोलो क्या करनी चाहिए, पिता माता की चरण की प्रणाम करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए। देखो ध्रुव महाराज जब जा रहे हैं उन्होंने क्या किया, पिता माता को प्रणाम किया, पिता माता को आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर के जब भजन करने के लिए गए, इतने में श्री नारद जी का भेद हो गया। नारद जी परीक्षा करने के लिए चाह, बोले ये कोई उम्र है भजन करने का, अरे तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे तो वापस चले जा। इतने में ध्रुव महाराज बोले आप कौन हो, बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं हो, आप कोई डुप्लीकेट नारद हो। बोले क्यों, बोले मैंने सुना है नारद जी सबको भजन की उपदेश देते हैं, लेकिन आप तो कह दो घर में वापस चले जाओ। बोले आया है तेरे द्वार पे, मैं भजन करने के लिए आया हूँ, जब तक मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर लूंगा तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं। अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, आज जरूर हमें ठाकुर जी जरूर हमें मिलेंगे। क्यों, हम भजन करने के लिए जब गए सबसे पहले आप जैसे संतों का हमें दर्शन हो गया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, केवल आप मेरे को उपदेश दो, देखो मैं क्या करता हूँ।
इसको देख करके नारद तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया चले तो ऐसे होनी चाहिए, चले ऐसे होनी चाहिए चले। तब उन्होंने उनको मंत्र देते हैं, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते मथुरा है, ये भगवान की जन्मभूमि है। वहां पर यमुना में त्रिशंध्या स्नान करना, अभी भी वो ध्रुव मिला है। आप लोग कोई मथुरा गए हो? कौन कौन मथुरा गए? कोई गए? ध्रुव मिला कौन कौन गए? कोई गए ध्रुव मिला देखे? कोई भी नहीं गए? आप बताओ कौन जाना चाहते हैं हाथ उठा? आप सबको एक बार हम ले जाएंगे, हाथ उठाओ जोर से, कोई हाथ भी नहीं उठा रहा। एक बार आप सबको ये 84 ब्रज मंडल आपको परिक्रमा करा लेंगे। नियम है हम भगवान को भूल करके ये 84 लक्ष योनि में भ्रमण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये 84 ब्रज मंडल परिक्रमा कर ले उसको 84 लक्ष योनि भ्रमण करना खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, एक बार आप सबको ले चलेंगे 84 ब्रज मंडल दर्शन करा लिए। लेकिन वो एक महीना लगता है। लेकिन फिर और एक नियम है, अगर आप केवल गाड़ी में जाओ 8 दिन में, फिर 8 दिन में ये पूरा का पूरा परिक्रमा 8 दिन में लग जाती है। लेकिन 8 दिन आपको केवल गाड़ी में घूमना पड़ेगा तभी ये परिक्रमा हो जाएगी। इसलिए अभी भी वो स्थान है जहां पर ध्रुव महाराज बैठ करके पहला महीना में तो उन्होंने बेर फल को 3 दिन बाद में एक बार खाकर भजन किए। दूसरे महीना में उन्होंने केवल उन्होंने सूखे पत्ते को खा करके 6 दिन तक भजन में बैठ जाते थे, 6 दिन को बाद में एक बार सूखे पत्ते खा लेते थे। तीसरा महीना आया तो 9 दिन को बाद में थोड़ी सी पानी पी लेते थे। चौथा महीना आया तो उन्होंने पानी को भी त्याग दिया, 12 दिन बाद में एक बार हवा ले लेते थे। और जो पंचमा महीना आया ना हवा भी छोड़ दिए। एक छठवा महीना में जो प्राण वायु को उन्होंने खींच लिया, उन्होंने जो प्राण वायु को खींच कर बंद कर दिया। देखो भजन की कितने शक्ति, जैसे एक हाथी मानो किसी नाम में प्यार करके हाथी जैसे डगमगाता है। अभी ध्रुव महाराज की तपस्या इतने कठोर था, सारा दुनिया की हवा बंद हो गई और ये पृथ्वी भी डगमगाने लग गई और समस्त देवता ठाकुर जी को पास में गए। बोले ठाकुर जी ध्रुव महाराज को जल्दी जल्दी दर्शन दो, नहीं तो विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। इतने में ठाकुर जी एक झलक उसके हृदय में दर्शन दे करके हठात अंतर ध्यान जब हो गए वो तो छटपटाने लगे और आंख खोल करके सामने श्री ठाकुर को दर्शन किए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, भगवान को दर्शन करते हुए बोले मेरे स्तुति करो। बोले हमने कोई स्कूल गया नहीं, संस्कृत पढ़ाई नहीं, भगवान उनकी शंख ये ज्ञान का प्रतीक है। जब ध्रुव जी के कपल पर स्पर्श की इनके हृदय में सारे दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है तो ध्रुव महाराज इस श्लोक को ऊपर में श्लोक स्तुति करने लग गए। इतने में बोले ध्रुव मैं इसको सुन परमा दो। ध्रुव महाराज कहते हैं बोले स्थाना विलासी तपस स्थित त्वाम प्राप्तवान देव गुण इंद्र गोचम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था इसलिए राज्य लोग से भजन करने आया था, लेकिन अगर कोई
कांच की टुकड़ा ढूंढते ढूंढते अगर किसको स्पर्श मणि मिल जाए, थोड़ी कोई कांच के टुकड़ा लेगा। वो शिक्षा देते हैं जो राज्य है आज है और कल नहीं है, लेकिन आपकी जो चरण है ना, बोले बड़े बड़े देवता ऋषि मुनियों के लिए भी आपकी चरण दुर्लभ है प्रभु, आपका दर्शन मिल गया और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें आपकी चरण की भक्ति दो, हमें प्रेम दो। बोले ध्रुव सो दे दूंगा, कोई चिंता मत करो और कुछ मांगो, तुम छोटा बालक हो, अगर कुछ नहीं दूंगा तो दुनिया मेरे को क्या बोलेंगे, इतना छोटा सा बच्चा भजन क्या ठाकुर को जो दिए ही नहीं, मेरी बदनामी होगी। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो क्या दो, बोले प्रभु आपकी भक्तों की संग प्रदान कर। बोले ध्रुव जब नहीं मिल गया मेरे भक्तों का संग क्यों चाहते हो, बोले भक्ति मोह प्रभवता कोई नहीं प्रसंग। प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपकी कथा तो आपको भक्तों को सुनाएंगे, इसलिए आपकी संग हमें नहीं चाहिए, आपकी संतों की संग हमें प्रदान कर। देखो यहाँ क्या शिक्षा देते हैं, भगवान के दर्शन हो गया, ठाकुर जी के दर्शन हो गया, लेकिन जब वर देना चाहते इसका प्रार्थना क्या करते हैं, बोले संतों की संग दो। बोले संतों की संग क्यों चाहते हैं, बोले कारण है जब संतों के साथ में रह करके हर समय उनकी कथा सुनेंगे, उनकी कीर्तन करेंगे, ये मन अपने आप भक्ति में लगा रहेगा, इसलिए प्रभु भक्तों का संग दो। बोले हो जाएगा, और कुछ मांगो, बोले प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बोले ठीक है मैं देता हूँ। बोले जैसे मेरे वैकुंठ लोग है, तेरे लिए भी एक नया वैकुंठ बनाऊंगा जिसका नाम ध्रुव लोक होगा। अब देखो तो ध्रुव तारा को देखे होंगे ना, अभी भी ध्रुव तारा आकाश में चमचमाता है, इसलिए तुम्हारे लिए दूसरा वैकुंठ बना दूंगा और तुम्हें दिन पर 36,000 साल तक ये ब्रह्मांड में तुम राजत्व तो करो और अंतिम समय में तुम मेरे पास में आ जाओ। जब ध्रुव महाराज ने संपूर्ण उन्होंने 36,000 साल तक भोग कर लिए, इतने में वैकुंठ से रथ लेने के लिए आए, अभी ध्रुव महाराज रथ में बैठना चाह रहे थे, इतने में स्वयं काल आ गया। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले वैकुंठ। बोले तुम कौन हो, बोले मैं स्वयं काल हूँ, बोले यहाँ पर बैठ जा। तब मैंने काल का सर को ऊपर में प्यार रख करके जब वो वैकुंठ जाना चाह रहे थे, इतने में अपना माँ की याद आ गई। बोले मेरी माँ कहाँ गई, मेरे मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले देख ध्रुव तेरी जो माँ है ना, देखो तेरे से पहले तेरी माँ वैकुंठ जा रही है, उसको पीछे पीछे तुम जा रहे हो। फिर ध्रुव महाराज उनकी माँ के पीछे पीछे उन्होंने वैकुंठ में विजय किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ध्रुव महाराज की जय, जय श्री राधे। देखो ध्यान से सुनो, जितने माताएं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान देकर सुनो माताएं। ध्रुव महाराज जो वैकुंठ गए माँ को लेकर गए, लेकिन पहले ध्रुव गए ना, पहले माँ गई वैकुंठ। अरे बोलो पहले कौन गई, पहले माँ गई ना, उसको पीछे 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 ध्रुव गए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम अपना बच्चे को भगवान की भजन में लगाएंगे, अगर बच्चे को हम भगवान की भजन में लगाएंगे तो देखो पहले बेटा वैकुंठ में नहीं जाएगा, पहले कौन वैकुंठ जाएगी, माँ जाएगी। इसलिए भागवत में बताए, बोले कुलम पवित्रम जननी वसुंधरा वसुस्तैव धन्या। यहाँ पर कह रहे हैं वंश में एक बच्चा अगर प्रभु के भजन में लग जाए, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति वैष्णव धर्म को ग्रहण करे, तो उसकी 21 पीढ़ी उधार हो जाती है, 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। बोले जननी, जननी मतलब माँ,
जो माँ बच्चे को 9 महीना तक गर्भ में धारण की, क्योंकि वो मैया पहले बैकुंठ चली जाएगी, माँ पहले जाएगा, और जो पिता की औरत से आएगा पिता जी का भी जीवन धन्य हो जाएगा। और तीसरा लाभ क्या है, बोले नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरिसा, जो पहले पूर्वज लोग पहले चले गए, बोलते ना पितर दोष, बोलते ना पितर दोष है, अगर कोई वंश में वैष्णव बने भगवान की दीक्षा मात्र लेकर भजन करे वो पितर दोष खत्म हो जाएगी। नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरिसा, वो लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते, बोले क्यों, बोले हमारे घर में एक व्यक्ति वैष्णव बना, वसुंधरा वसती धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। कितने महिमा किसी वंश में एक व्यक्ति अगर वैष्णव बन गया, बोले भैया वैष्णव मतलब क्या होता है, बल्कि दीक्षा मंत्र वैष्णव धर्म में होनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी हो, तिलक लगाए हुआ हो, भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए हमारे पुराण में बताए गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरो, विष्णु मंत्र में ही दीक्षा लेना पड़ेगा, वैष्णव धर्म में तभी ये लाभ है। इसलिए आप लोग सबके सब क्या करो, गले में तुलसी की कंठी पहनो, तिलक धारण करनी चाहिए, हैं? तिलक कैसे, ऐसे नहीं एक फोटा तिलक लगा दिया, नहीं, आप शास्त्र पढ़ करके देखो, बोले ऊर्ध पुंड्र धर मर्त्य म्रियते जत्र पुत्र की स्वपाप आपी महिलोक महिलोक महियते। भगवान कहते हैं एक चंडाल की नहीं हो, ऊर्ध पुंड्र, देखो ये तिलक है ना, ऊर्ध मतलब ऊपर, इसको कहते हैं ऊर्ध पुंड्र तिलक है। आप भगवान कृष्ण को देखो कैसे तिलक है, ऊर्ध पुंड्र है। भगवान श्री रामचंद्र को देखो तिलक कैसे ऊर्ध पुंड्र है। भगवान नारायण को देखो कैसे तिलक ऊर्ध पुंड्र है। हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, कोई भी देवता को देखोगे ना जो तिलक है ऊर्ध्वम नयति, जो हमें ऊपर ले जाता है। इसलिए देखो ये जो है ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में विष्णु है और इधर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी पता देते हैं, उसका सेव देखो तुलसी पता जैसे, मानो ठाकुर जी के चरण में हमने तुलसी डाल दी है। तिलक ऐसे होनी चाहिए, ठाकुर जैसे लगाते हैं, छोटा तिलक कहीं शास्त्र में नहीं है, एक छोटा तिलक लगाते नहीं, छोटा तिलक नहीं लगानी चाहिए, फिर तो हम संसार में घूमते रहेंगे संसार में। इसलिए ऊर्ध्वपुंड्रम फिर गले में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए। देखो ये जो तुलसी कंठी है इसको आप लोग लकड़ी मत समझो, ये कोई लकड़ी धारण कर लिया नहीं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है। आप लोग तो हिंदू लोग देखना तुलसी को साथ में नारायण की शादी होती देखे कि नहीं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी। ठाकुर जब ये जगत छोड़ करके गए अपने आप को कहाँ रख करके गए, बोले तुलसी वृक्ष में। हम लोग कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों वाक्य लिया, मतलब क्या, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वना जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर जी। अगर गले में तुलसी कंठी है मतलब आपकी कंठ में लक्ष्मी और नारायण के दोनों निवास। जैसे ठाकुर जी को कोई भी चीज भोग लगा, छापन भोग छत्री से बैठ जाए, देखना बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने, जब तक उसने तुलसी दल नहीं देते हैं देखना ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह जब ये गले में हमने ये तुलसी कंठी पहन लिया, आज से ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो गया, ये शरीर ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो गया ठाकुर जी। इसलिए ये तुलसी में 200 तरह का मेडिसिन है। अभी कोरोना आया था ना, अभी कोरोना आया था ना, आप बताओ तो सबसे पहले कोरोना का मेडिसिन किसने निकाला था,
आपको बता दो सबसे पहले किसने ये कोरोना की मेडिसिन निकाला था, बता सकते हो? ये रामदेव बाबा ने। किसने निकाला था? ये रामदेव बाबा। आप उसको पढ़ करके देखना कौन नहीं को, उसमें 80% ये तुलसी थी और ये 20% और दूसरे दूसरे चीज थी। इसलिए आप दुकान से एक मेडिसिन को ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, आज जाकर ढूंढना, देखना एक उसमें पेपर मिलेगा, उसको पढ़ के पढ़ना उसको, क्योंकि 200 तरह का बीमारी की प्रतिषेध मेडिसिन ये तुलसी बेहतर। इसलिए तो हमारे हिंदू लोग तुलसी को पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं ना तुलसी को, और अपना आंगन में क्यों तुलसी लगाते हैं? कारण है जहां तुलसी की वृक्ष हो उसकी वातावरण जितना दूर तक फैलेगा सारे बीमारी वहां खत्म हो जाएंगे, कोई बीमारी वहां नहीं फटेगा। इसलिए हिंदू लोग कहां तुलसी लगाते हैं? अपने आंगन में तुलसी लगाते हैं। ये बहुत बड़ा के साइंटिफिक रीजन है हम तुलसी वृक्षों को आंगन में क्यों लगाते हैं। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करते हुए जब हम स्नान करते हैं इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारी को अपने आप खत्म कर देगी। इतने महिमा गले में तुलसी कंठी और ये तिलक धारण करने की बड़ी महिमा। देखो आपका घर में जब कोई पुजारी आता है पूजा कराने के लिए, सबसे पहले क्या करेगा? जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा तब तक पूजा करता है क्या? पूजा नहीं करता है, पहले तिलक लगा कर पूजा करता है। क्यों? बोले तिलक के बगैर जो पूजा है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सबसे पहले क्या करता है? तिलक पहले लगाता है, इसको बाद में पूजा करवाता है। इसलिए जो तिलक गले में तुलसी कंठी और जो भगवान की जो नाम है ये वैष्णव धर्म में ये तीन चीज हुआ करता है। इसलिए हमें वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण करके भगवान की भजन करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 क्योंकि हम जहां जहां कथा करते हैं ना, जब सुखदेव गोस्वामी कथा किए, जानते हो कैसे कथा हुई है? ये दिन रात मिल करके 24 घंटा ऐसे 7 दिन तक कथा हुई है। अभी जैसे 2 दिन घंटा कथा एक पहले कथा ऐसे नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी दिन रात मिल करके ये 7 दिन तक ऐसे कथा हुई तो तभी पहले भी महाराज जी को मुक्ति मिली है। कुछ दिन पहले सवेरे 4 माइक छोटा माइक छोटा माइक लाए बोले गोविंद और बामन तो है। मैं पूछ लेता हूँ समझाओ
नाच सके खड़े होकर के नाचना, क्योंकि भगवान के दरबार में एक बार कोई नाच दे तो उसको 84 लगभग जो भी नाच नाच भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो नाच सके नाचना, ये बीच का जो लाइट जला था सर लाइट याद है, ये बीच का लाइट जला था।
उसमें दो प्लेयर है, एक तो हिरण्यकश्यप और एक प्रह्लाद है। बोले हिरण्यकश्यप का मतलब क्या? बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण सोना, कश्यप मतलब होता है बिस्तर, जिसका बिस्तरा ही सोना ही सोना। मतलब क्या है? जो केवल भोग भोग ही चाहता है जीवन। दूसरे तरफ में प्रह्लाद, बोले प्रह्लाद का मतलब क्या? बोले प्रकृष्ट रूप में धार, मतलब हर समय जो प्रसन्न रहे, हर समय जो खुश रहे। बोले एक तो हो गया प्रह्लाद और दूसरे तरफ में हो गया हिरण्यकश्यप। बोले ऐसे क्यों हुआ है? बोले इसका कारण बताए। बोले एक समय वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू कभी पहुंचा ब्रह्मलोक में। चतुसन पहले ब्रह्मज्ञानी थे, जब इनकी नासिका में प्रवेश किया एकदम उनको उन्माद कर दिया। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? बोले बेटा ये वैकुंठ से भगवान नारायण का चरण तुलसी और ये चंदन की खुशबू। बोले पिताजी फिर नारायण कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी एक बार दर्शन करने के लिए जाए? बोले कोई बात नहीं जाओ, क्योंकि पहले ये चतुसन ब्रह्मज्ञानी थे, जो भगवान को निराकार निराकार मानने वाले। ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे। बोले कहा मैंने बच्चों को जन्म दिया, ठाकुर को भक्ति करेंगे, ठाकुर को प्रेम करेंगे, पता नहीं ये कहा निराकार मुक्ति से ये शून्यवाद में प्रवेश करके। लेकिन उनको पता है अगर ये चतुसन एक बार वैकुंठ में चले जाए, ठाकुर जी को दर्शन कर ले, बस अपनी आप सब कुछ भूल जाएंगे और प्रभु का प्रेम में अपने आप प्रभु का प्रेम में उन्माद हो जाएंगे। इसलिए चतुसन जब वैकुंठ में गए, छह दरवाजा तो पार हो गए, जब ये सप्तम दरवाजा में प्रवेश करना चाहते थे, वहां पर जय और विजय करे थे।
इतने में छड़ी को उन्होंने सामने धर दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? पता नहीं लगी मेरे को साथ में ठाकुर जी क्या कहते होंगे, अरे कम से कम पूछताछ तो करो। इतने में चतुष्ण को क्रोध आया और अभिशाप दे दिया, बोले जाओ ये बैकुंठ है। बैकुंठ का मतलब क्या? जहाँ पर काम क्रोध लोभ, जहाँ पर कहीं उठा धर्म नहीं, या हम भगवान को मिलने के लिए हम जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए आदेश की जरूरत, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में चले जाओ। अभी तो रोने लग गए, इतने में ठाकुर जी आ गए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले अगर तुम लोग मेरे भक्त बन करके जाओगे, सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो तीन जन्मों के बाद में आ जाओ, बता क्या करना चाहते हो? बोले प्रभु हम तो जल्दी से जल्दी वैकुंठ में आ जाना चाहते हैं। बोले जाओ राक्षस जन्म में जाओ। वही पहला अवतार में, पहला जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे अवतार में कहिए रावण कुंभकर्ण, और तीसरे रूप में शिशुपाल दंत्र वक्र बन करके आए। जब भगवान कृष्ण इनको उद्धार की है तो उनको वैकुंठ विजय प्राप्त किया। इसलिए कहते चतुष्ण भगवान की भक्त हैं। अगर भक्त किसको पर अगर नाराज हो जाए तो क्या होगा? हृदय में भोग की वासना आएगा, फिर तो राक्षस जन्म में जाना पड़ेगा। इसलिए ये राक्षस हुए। लेकिन ये प्रहलाद कैसे हुए? ये प्रहलाद इतने बड़े कृष्ण भक्त कैसे बने? बोले कारण है, जब इंद्र कयाधु को, प्रहलाद महाराज की माँ को स्वर्ग में ले जा रहा था, इतने में नारद जी आए, बोले इसकी पेट में भगवान की परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज, इनको कोई नहीं मार सकता है। तब श्री नारद जी के आश्रम पर ले गए और उन्होंने प्रहलाद को उपलब्ध करते हुए उन्हें 60,000 था उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। अगर किसको ऊपर में संतों की आशीर्वाद हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, तो क्या होगा? वो प्रहलाद होगा, मतलब हर समय आनंद में रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, बले बिनु सत संग विवेक न होइ, बिनु सत संग विवेक न जब तक भगवान की जन्म नहीं हो, कथा विश्राम नहीं हो, कोई उठते नहीं। लेकिन यहाँ की माताएं पता नहीं आते हैं लेट नहीं और चले जाते हैं जल्दी जल्दी। आप कोशिश करना थोड़ी सी ज्यादा समय रुकने के लिए, हम जल्दी जल्दी कथा को कोशिश करेंगे विश्राम देने के लिए, ठीक है? प्रहलाद महाराज की कथा सुना ना, इसी में 7 दिन बीती जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज इनकी जो शिक्षा है ना, बड़े अनमोल शिक्षा है। जब हिरण्यकश्यप इनको मारने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन किसी तरह से मार नहीं सके। इतने में उसकी बहन थी होलिका, एक दिन होलिका आई, बोले भैया तू इतने दुखी क्यों? बोले क्या बताऊं ये प्रहलाद, मेरे भय से त्रिभुवन थरथर थरथर कांप रहा है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा, इसका कोई डर भय नहीं, पता नहीं किसकी कृपा से इतना बलवान है, इसको मारने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। होलिका बोली भैया कोई चिंता मत करो, मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है, मेरे को अग्नि स्पर्श नहीं करती, चिता सजाओ और इसका मेरे को गोद में बैठा दो और उसमें आग लगा दो। जब उसने आग लगाई
कहीं जोर से चीख के उठी, बोले बचाओ बचाओ। हिरण्य कश्यप सोचा प्रहलाद खत्म हो गया, लेकिन जब आग बुझ गई ना, देखा होलिका तो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे वो जैसे बैठ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की प्रहलाद को मारने की, लेकिन किसी तरह से प्रहलाद उसने मार नहीं सके। बोले क्यों? बोले जाके राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जगह। बोले जो जगह नहीं हुई, इसको चूंकि भगवान रक्षा कर रहे थे इसलिए उसको कुछ भी नहीं कर पाए। इतने में संधा मर गए, बताया कोई चिंता मत करो, हमारी गुरु जी शुक्राचार्य बाहर गए थे, वो वापस आ जाएंगे जरूर उसको समझा देंगे। फिर उसको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। इतने में बीच में खेल छुपी में जब संधा अमर चले गए, देखो इनका गुरु जी का नाम क्या, संधा और अमर। संधा मतलब होता है सांड, अमर का मतलब होता है बंदर। बोले जो गुरु शिष्यों को भगवान की भक्ति को बारे में नहीं समझाए, केवल धर्म अर्थ काम, केवल एक एटीएम में काम का कार्ड बना दे, केवल पैसा कैसे कमाओ, केवल यही चीज को सिखा दे, कहते भैया वो गुरु तो अभी बनने का लायक ही है। कर गुरु मतलब होता है उकार अंधकारत्वाद उकार नष्ट निगतत्व, जो अज्ञान रूपी अंधकार को हृदय से हटा करके भगवान के प्रेम रूपी भक्ति रूपी जो ज्ञान जगा दे। बोले चिंता मत करो गुरु जी आएगा समझा देंगे। इतने में खल छुपी हुई तो गुरु दोनों चले गए भोजन के लिए। इतने में प्रहलाद महाराज उपयुक्त समय को देख करके बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों आओ मेरे पास में बैठो, तुमको कुछ मैं अच्छी बात बताता। प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत निहं दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थकम। बोले बच्चों भगवान की भजन करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करो। जैसे साधारण लोग बोलते हैं ना, अगर किसको भक्ति करने के लिए बोलो साधारण लोग क्या समझते हैं, बोले अभी के कोई भजन करने का उम्र है? भजन तो तभी करेंगे जब रिटायर्ड लाइफ में हैं, बच्चों को शादी शुदा करा के जो समय बच जाएगा फिर एक दो माला कर लेंगे। ये बचपन में हम क्या भक्ति करेंगे? देखो प्रहलाद महाराज कितनी अच्छी अच्छी बात बताए। बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल उम्र से भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद 5 साल से क्यों करे, जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करेंगे। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई ज्ञान निकाल रखा हुआ है, अभी करुणा आई थी ना, कितने लोग चले गए किसको पता था, इतने कम उम्र में हमें चले जाएंगे। न्यूज पेपर पढ़ करके देखो, एक्सीडेंट से हार्ट अटैक में बैठ बैठ करके लोग चले जाते हैं। बोले भैया कोई गर्मी कार्ड क्या तुम्हारे पास में रखा हुआ? बोले नहीं तो अगली जीवन में भक्ति करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, भगवान बारम्बार ये जीवन नहीं देते हैं, ये तो लाख 84 ब्रह्म के ही नरतंत्र ही। इसलिए बच्चों बचपन से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो। तो उन्हें कुछ एग्जाम्पल देकर समझा, आप लोग भी समझो ये बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए। पहला उदाहरण दिया जैसे कच्चा मिट्टी हो, कच्चा मिट्टी से जो बनाना देखना बन जाती है, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ बनेगी नहीं बनेगी। जब फूल खिला हुआ हो तब भी ठाकुर जी के चरण में हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब सूख जाए ठाकुर के चरण में चढ़ेगी? चढ़ेगी। जब कागज कोरे कागज हो उसमें कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कागज में जब लिख जाए फिर 2 बार उसमें लिख सकते हैं क्या? लिख नहीं सकते हैं। इसलिए बोले बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से जो चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं वो अंतिम समय में वही चीज याद आती है। जैसे आप लोग देखो ठाकुर के सामने 10 मिनट बैठो, आज हम ठाकुर जी को 10 मिनट याद करेंगे, आप देख लेना
एक मिनट भी मन भजना नहीं लगेगा। 10 मिनट बैठ करके देखो, 1 मिनट बल्कि क्यों मन नहीं लगता है? बल्कि कारण है, चिंतित द्वारा नींद में हम जो भरा है ना वही चिंता निकलेगा ना। अगर बचपन से प्रभु की भक्ति अगर भरेंगे तो तब तो भक्ति निकलेगी। अगर हृदय में भक्ति नहीं करेंगे तो कहां से प्रभु को याद आएगा? इसलिए बोले बच्चों, भगवान की बचपन से करनी चाहिए। इतने में जब हिरण्यकश्यप को पता चला ये प्रह्लाद एक था, उसने सबको प्रह्लाद बना दिया, सबको भगवान के भजन में उसने लगा दिया। इतने में हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बोले बता तेरे भगवान कहाँ है? बोले पिताजी ये तो बताओ, मेरे भगवान है नहीं कहाँ बताओ? बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठी बैठी मुस्कुरा रहे। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाऊंगा, फिर बाद में तेरे को दिखाऊंगा। इतने में हिरण्यकश्यप ने खंभे में उन्होंने अपना मुष्टि का भार संगा, भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री भगवान नरसिंह देव की, अब जोश नहीं कर दो, बोले श्री नरसिंह भगवान की। और इतने में हिरण्यकश्यप और भगवान ने घमासान युद्ध हुई। जब ठीक शाम का समय आई, जैसे एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ ले, इतने में भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके देहली के पास में आ गए और उसको चंदे को ऊपर रख करके जब उसको मारने के लिए गए, हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से मैंने बहुत कुछ वरदान मांगा। बोले बताओ क्या वरदान? बोले दिन में नहीं मरता, रात में नहीं मरता, बताओ कैसे मारोगे? बोले ऊपर में देख भले आदमी, ये दिन रात है, बोले शाम का समय। बोले घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, बोले ठीक से देख कहां पर? बोले दहेली को ऊपर में। बोले आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी को ऊपर नहीं मरूंगा, कैसे मारोगे? बोले मेरे तो जगह को ऊपर में। बोले ब्रह्मा जी की किसी सृष्टि प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, बताओ मारोगे कैसे? बोले मेरे को देख, मैं ब्रह्मा का बाप हूँ। बोले किसी महीना में नहीं मरूंगा, बोले अच्छे तरह से याद कर, ये मल मास, ये पुरुषोत्तम मास है, बोले तब भी मैं नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, कैसे मारोगे? बोले मेरे नाखून को देख। देखते देखते ठाकुर जी पेट को हार दिए, हार करके जितने नाई खुली मैंने अपने गले में धारण कर लिया। कुछ कुछ संत लोग कहते हैं ठाकुर जी इसको पेट को भी उखाड़ दिए। बोले कारण है, बोले इसकी औरस से ये प्रह्लाद महाराज जन्म हुए, इतने बड़े भक्त भगवान के भक्त इसी औरस से जन्म हुए। इसलिए ठाकुर जी सोच रहे हैं हो सकता है इसकी औरस पेट से और दो जन प्रह्लाद महाराज निकल जाए, इसलिए मानव ने पेट को उखाड़ दिए। और उसी समय पेट में भयंकर उनकी रोग थी, ब्रह्मा भी बना नहीं सके, शंकर भी बना नहीं सके, माता लक्ष्मी भी बना नहीं सकी। तब उन्होंने प्रह्लाद को पास में गए, बोले प्रह्लाद तेरे लिए आज ठाकुर जी आए, तू ही ठाकुर को बना सकते हो। लेकिन जब प्रह्लाद आए ना, ठाकुर जी इसको गोद में लेकर के जैसे चाटने लग गए, ठाकुर जी चाटने लग गए। बोले प्रह्लाद मेरे लिए तेरे को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे को आने में देर हो गई, मेरे अपराध को माफ कर दो। प्रह्लाद मेरे से वर मांग रहे, बोले प्रभु इसकी चक्कर में मत पर मेरे को मत डालो, देना तो आपकी चरण में हमें भक्ति प्रदान करो, संतों की संग हमें प्रदान करो। बोले ठीक है बेटा, और कुछ मांग लो। बोले ठाकुर जो देना चाहते हो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, संतों को आपको बहुत सताया, इनको उद्धार कर दो। बोले तुम पिताजी की बात क्यों करते हो? बोले त्रिसप्तभिः पिता पुत्र, तेरे तो 21 जीवधार हो गए, इसलिए कोई चिंता मत करो। इतने में बोले और कुछ चाहते हो? बोले प्रभु मेरे ये पृथ्वी पे जितने लोग हैं इनके सारे पाप मेरे को दे, मैं ले एक अनंत काल के लिए नरक में भोग करूं, लेकिन ये ब्रह्मांड को अपना
चरण में स्थान देखो, देखो संतों का हृदय कितना बड़ा होता है। ये संतों का हृदय कहते हैं, कहते पृथ्वी का जितने सारे व्यक्तियों का पाप तो मेरे देखो, मैं करोड़ों काल के नरक भोग करूं। अब क्या करो, ये पृथ्वी के सब लोगों का अपना चरण में स्थान देकर ठाकुर बोले कोई चिंता नहीं, तुम्हारी इच्छा है ना, मेरे एक ब्रह्मांड नहीं, मेरे अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में उधार करके अपना चरण में स्थान दे दिया। बस ही भक्त वत्सल भगवान की, भक्त भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय हो। देखो जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर ठाकुर जी समस्त विपत्ति से उन्होंने उद्धार किया। अगर कोई व्यक्ति कोई भी जीवन में विपत्ति आए, देखो ये चीज अच्छे से सुनना, जब घर से निकलो ना जरूर ये नरसिंह देव को प्रणाम कर लीजिए। जो व्यक्ति नरसिंह देव समय भगवान नरसिंह देव रक्षा करते हैं, बस नरसिंह भगवान अपने भगवान नरसिंह देव को मैंने आरती उतारी। मैं इसकी दो श्लोक पर बोलता हूँ, अगर हो सकते ये दो श्लोक का भी याद कर लेना, कभी भी विपत्ति में पड़ कर ये दो श्लोक को बोलोगे तो समस्त विपत्ति से तुमको उधार मिलेगी। बोले नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते कृष्ण जन्म होंगे और कल भागवत कथा में श्री राधा रानी का हम कथा सुनेंगे। कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्रीमती राधा रानी की। आप लोग आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए, अरे बोलो पीला रंग के ना, कल श्री ईश्वर जी जन्म लेगी इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन के आना, क्योंकि राधा रानी जो गुलाबी रंग है वो प्रेम का रंग है। देखो हम लोग गुलाबी रंग कपड़ा धारण किए ना, मतलब क्या है, राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है गुलाबी रंग है, क्यों, ये अनुराग का रंग है, प्रेम का रंग है। इसलिए कल हम श्री राधा रानी की बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे। कोई कोई कहते है ना भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, कल बहुत अच्छे तरह से सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी कहाँ कहाँ पर श्री राधा जी का नाम लिया, लिया तो किस रूप में और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, इसकी रहस्य कल हम सुनेंगे। अब ये देवता लड़ाई हो, देवता मरते भर जाए, दत्त वाले तो गुरु जी उनको संजीवनी मंत्र से जीवित कर देते हैं। देवता लोग एक समय भगवान को पास में गए, बोले अमरत्व को कैसे प्राप्त करेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, दीप रत्न निकली। लेकिन जिस समय धन्वंतरी ने ये अमृत कलश लेकर के निकला, देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, इतने में दैत्य लोगों को छीन लिया। ठाकुर जी ने सोचे अगर ये दैत्य लोगों को पान करेंगे तो अमरत्व को प्राप्त करेंगे, फिर ये पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे। ठाकुर जी मोहिनी अवतार लिए, श्री मोहिनी भगवान की,
बोले तुम लोग दो लाइन निकल के बैठ जाओ और मैं अमृत तुम्हें बांध दूंगी। लेकिन अमृत को बैठने में करते करते सौर भाग का नाम का दैत्य चंद्र सूर्य को बीच में बैठ करके पान कर लिए और उन्होंने इशारा किया तो ठाकुर जी सुदर्शन चक्र से गला को काट दिए। एक राहु एक केतु हुए, इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये ग्रहण करते हैं। इतने में देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, दैत्यो को एक तरफ से काटना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश विनाश हो जाएगा, फिर उन्होंने आकर के मना कर दिए। फिर उन्होंने गुरु जी आए शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से फिर चेले को जिंदा कर दिए। इतने में श्री बलि महाराज ने विश्वजीत नाम का यज्ञ की, जिस यज्ञ से रथ निकला अस्त्र शस्त्र को साथ में, उसमें बैठ करके कोई युद्ध करेगा तो कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर उन्होंने देवता लोक में चढ़ाव करके सारे देवता को उन्होंने भगा दिए और इंद्र आसन को दखल कर दिए और देवता लोग दर दर मरते जगत में भटक रहे हैं। इतने में अतिथि माता ने कश्यप जी को प्रार्थना की, बोले तुम पय व्रत करो, भगवान वामन देव जन्म लेकर के फिर स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। बोले बस भगवान श्री वामन देव की, भैया दिया वामन भगवान दिया, बोले श्री भगवान श्री वामन देव की, बोले श्री भगवान श्री वामन भगवान की। तो बच्चे को आप ले आओ, आप जाकर ले। अभी भगवान श्री वामन देव आ रहे हैं। जब श्री भगवान श्री वामन देव आए और गुरु जी उनको उपनयन संस्कार की, बोले मियां में गुरु जी को गुरु का पीना देनी चाहिए। बोले क्या चाहते हो? बोले जाओ बलि महाराज नर्मदा नदी किनारा में यज्ञ कर रहे हैं, उनसे स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब श्री वामन देव वहां पर पहुंचे, बलि महाराज इनके तेज को देख करके प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोले आप क्या चाहते हो? बोले आप पहले संकल्प कर फिर मैं मांगूंगा। इतने में जब संकल्प करने जा रहे थे, इतने में से शुक्राचार्य आए, बोले बलि सावधान, बोले तुम जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आए। बोले श्री भगवान वामन देव की, बोले ये तीन पद जमी नहीं, ये त्रिभुवन राज्य को ले लेगा। ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं माने जाते। हे बलि महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मेरे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। एक तो भगवान अगर वो चाहेंगे तो विश्व ब्रह्मांड को ले सकते हैं, लेकिन आज ठाकुर स्वयं मेरे पास में दानी बन करके आए, मैं जरूर दान दूंगा। बोले मैं गुरु हूँ, ध्यान देकर सुना, बोले मैं गुरु हूँ, गुरु जी की बात सुननी चाहिए, मैं कहता हूँ इसको दान मत दो, लेकिन तुम कहते हो दान दोगे, तुम गुरु जी को बात क्यों उल्लंघन करते हो? इतने में बलि महाराज बोले भैया गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है प्रभु जी, गुरु का काम है, गुरु का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है भगवान जो कण कण में जो व्याप्त है, वो भगवान का चरण को जो दर्शन करा दे गुरु। आज साक्षात ठाकुर जी मेरे पास में मांगने के लिए आए, वो चाहे तो सब कुछ ले सकते हैं, आप भगवान की सेवा के लिए मना कर रहे हो? बोले ऐसे थोड़ी गुरु कहते हैं। इसलिए भैया ऐसे गुरु की जरूरत नहीं। बोले मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, श्री भ्रष्ट हो जाओगे। बोले अयम मस्तु, लेकिन मैं जरूर दान दूंगा। और उनने संकल्प किए तो फिर कीड़े बन करके बैठी गई, फिर आधी चली गई, फिर तो गुरु जी भागे। देखो नियम है भगवत सेवा में किसको मना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मना करेगा ना भैया आंख पर चली जाएगी आ कहा। इसलिए उन्होंने एक पद में भूर भूव मोह जन सत्यलोक तक नाम लिया। जब सत्यलोक तक ठाकुर की चरण पहुंचे, पितामह ब्रह्मा जी उनकी चरण को अभिषेक करते हुए
कमंडल में जो पानी रखे वही स्वयं प्रतिभा श्री गंगा देवी हुई। श्री गंगा देवी की दूसरे पद में अतल बीतल तलाद पताल लोग उतर ले लिए। बोले बताओ तीसरे पद कहाँ पर रखूं? बड़ा ठीक आग्रह था, इतने दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ तीसरे पद कहाँ दोगे। उन्होंने वर्णों को बुला करके उन्होंने उनको नाक फांस बंधन में बांध दिए। इतने में उनकी पत्नी आई, बोले ठाकुर को अपने किया दिया, तुझे तो दिया ही नहीं ठाकुर जी को, ठाकुर अपना दुनिया को ठाकुर ले लिया, जब तक वो खुद को खुद नहीं देते देना थोड़ी होता है। इतने में श्री बलि महाराज बोले प्रभु बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा। बोले दानी बढ़ा? बोले दान तो लिए दानी तो लिए ही नहीं। बोले बताओ कहाँ पर चरण रखे? बोले मेरे सर पर चरण रखे ठाकुर जी, अपना अभय चरण को उन्होंने श्री बलि महाराज का सर पर रखे। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के श्री बलि महाराज की, श्री बामन भगवान की। देखो आज ठाकुर जी आपको पास में कुछ भिक्षा लेने के लिए जाए, ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा महिमा। जैसे सुदामा ने दो बुंद चिड़वा दिया ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया था, अब ठाकुर जी स्वयं भिक्षा लेने जाएंगे, आप लोग थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी को जरूर भिक्षा देना। भगवान कृष्ण कथा बोलने के लिए जा रहे हैं दशम स्कंध में,
उन्होंने एक श्लोक को बोल करके पूरी भागवत पूरी दशम स्कंद कथा सुना दिया, कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और कृष्ण कैसे गोकुल में गए और गोकुल में श्री नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया, बड़े धूमधाम से वहां पर नंद उत्सव हुआ। कृष्ण कैसे कुतना सकटार सुर तीना भक्त को मारे, कैसे अघासुर बकासुर को मारे ठाकुर जी, और कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन कैसे उठाए। आप लोग अपना अपना स्थान पर बैठ जाए, कथा सुन लो। गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठाए और कृष्ण कैसे 70 करोड़ गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास किए और कृष्ण मथुरा में कंस उधार की, उधार करते हुए ठाकुर जी द्वारका में गए, 16,108 पटरानियों को साथ में शादी की, हर पत्नी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी हुई, और ठाकुर जी ब्राह्मण का अभिशाप को ग्रहण किए और प्रभास क्षेत्र में ठाकुर जी अपना अंतिम लीला को आविष्कार करते हुए ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में चले गए। बोले श्री वांके बिहारी लाल की, जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाला की। उन्होंने एक श्लोक बोल करके ना जैसे अगस्त ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को पान कर ली थी, एक श्लोक से बोले और खत्म कर दी। इतने में श्री परीक्षित महाराज को देखने लगे, बोले क्या कृष्ण कथा हो गया? बोले हो गया ना, पूरी तो कृष्ण कथा सुना दी। बोले मैं तो 4-4 दिन से टकटकी लगा करके देख रहा हूँ कब कृष्ण कथा आएगा और जी भर करके मैं सुनूंगा। क्यों? कृष्ण बोले कुल देवता है। जब मैं माँ के पेट उत्तरा के गर्भ में था, अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया था मेरे को मारने के लिए, ठाकुर जी मेरे मातृ गर्भ में प्रवेश करके मेरे को रखा, इसलिए कृष्ण मेरे कुल देवता। केवल मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप तो एक श्लोक से पूरी कृष्ण कथा सुना दी, मेरे को आनंद नहीं मिला। मैं चाहता हूँ पूरी कृष्ण कथा को एकदम विस्तृत रूप में वर्णन करो। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, तब इन्होंने एक श्लोक में कृष्ण कथा क्यों सुनाई, उन्हें पूरी अच्छी तरह से क्यों नहीं सुनाई? तो उदाहरण दिया, जैसे जेठ के महीना हो, एकदम चिलचिलाई हुई धूप है, कोई व्यक्ति धूप से आ रहा है, छाती फट रहा है, प्यास लगा है, एक ग्लास अगर कोई जूस दे दे तो क्या करेगा? एक साथ में उसको पान कर लेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी वो कौन है? बोले ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं, पहले सुन रहे थे ना, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी के प्रिय सूत है, ये भी सोच रहे हैं कब चौथा दिन आए, मैं भी कृष्ण कथा को दिन खोल कर बोलूं। जब उन्होंने कृष्ण कथा आने लग गई, एकदम एक श्लोक में उन्होंने पूरी की पूरी उन्होंने कृष्ण कथा को सुने और कृष्ण कथा को उन्होंने विश्राम दे दिया। इतने में सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित 4-4 दिन हो गया, अभी तक तो तुमने थोड़ा पानी तक भी नहीं पिया, थोड़ा पानी तो पी ले। बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना झगड़ा हुई है, इसलिए पानी की बात मत करो, हमें जी भर करके हमें कृष्ण की कथा सुनाओ। तो उन्होंने फिर तो उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने श्री कृष्ण कथा सुनाई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। आप देखो माताओं, अभी मत जाओ, अभी भगवान कृष्ण आने वाले, 5 मिनट बैठ जाओ, कहीं मत जाएगा, अब 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट में कृष्ण आएंगे, इसको बाद में सबके समझाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब श्री सुखदेव गोस्वामी 3 दिन तक कृष्ण कथा सुने। यद्यपि भागवत ग्रंथ में सूर्य वंश और चंद्र वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले भगवान कृष्ण और श्री भगवान श्री राम की सबसे प्यारी कथा है। कृष्ण कथा को उदाहरण दिया जैसे 3 गंगाएं, स्वर्ग में मंदाकिनी, मर्त्य जगत में भगीरथ और पाताल में भगवती,
जैसे तीन गंगा तीन लोगों को उद्धार करती है, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को उद्धार करती है। किसको? सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। तो उन्होंने सुंदर कृष्ण कथा सुनाए, पर जिस समय कंस ने अपना बहिनी देवकी को, उन्होंने कंस को साथ में, वसुदेव को साथ में शादी की, स्वयं सारथी बनकर के ले जा रहा था, इतने में आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवकी को तुम स्वयं विदाई कर रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल लगेगा। कंस ने देखा ये देवता वाणी कोई झूठी नहीं हो सकता है, इसलिए ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाल करके जब मारने जा रहा था, कंस ने सांप दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी तरह से समझा नहीं। बोले देख, तू मेरे को जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले सारे संतान मैं तेरे को दे दूंगा, इसलिए तुम देवकी को मत मान, ठाकुर को इच्छा है। अभी उनका जो पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, जब उसने देने के लिए गए, कंस का हृदय तो द्रवित हो गया। बोले काल को हाथ में अपना बेटे को दे रहा है, प्रसन्न होकर के बोले कोई चिंता नहीं, तू ले जा बेटे, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब। इतने में नारद जी ने देखा, भैया गर्भणी हो गया, क्यों? इसके हृदय में दया की भाव उमड़ कर आ रहा है, जब पाप की घड़ा भरेगा तब तक ठाकुर जी आएंगे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय नारद जी आए, कंस को एकांत में एक बगीचा में बुलाए और एक फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़िया थी। बोले कंस ये बता, ये आठ पंखुड़िया में पहला वाला कौन, आठवां वाला कौन? बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले उल्टा से गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले समझ गया? बोले गुरु के बगैर तुम्हारी क्या करता है? बोले तू तो ये सोच रहे हो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर ये देवता तो अगर उल्टा से एक दो करे तो जिसको तू पहला नंबर कर रहे हो ना, वो आठवां नंबर हो जाएगा। ये बच्चे बड़े होएंगे कि नहीं? बोले होएंगे। सब मिलकर मारेंगे सबके सब। बोले गुरु जी फिर क्या करे, सबको मार दे? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बाप जानता। भड़का दिए नारद जी, भाग गए। इतने में कंस ने किया कि उसने देवकी के छह छह बच्चों को उन्होंने मार डाले, छह छह बच्चों को मार डाले। देखो ये इधर तक मेरे तरफ नहीं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप बोलो भैया नारद इतने बड़े संत की मरवाया, क्यों मरवाया संत होकर के? बोले नारद जी को इनकी पूर्व जन्म पता था, ये ब्रह्मा की मानस पुत्र मरी थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को जन्म दिए, वो इतने सुंदर कि स्वयं ब्रह्मा आसक्त हो गए थे और इन लोगों ने उनको देख करके हंसी उड़ाए थे। इसलिए ब्रह्मा जी अभिशाप दिया था, अपना पिताजी को हाथों में तीन जन्म तक मरने पर मुक्ति मिलेगी, दो जन्म तक मर चुके हैं। यही कंस पहले काल जवन था, काल में ही था, अभी वही कंस बन करके आएगा। जब इनको मारेंगे जल्दी इनकी सुधार होगी, मरवा ने इनको जल्दी मुक्ति दिला दी। हाँ, दूसरा कारण बताए, देखो ध्यान दे बेटे, ये छह कौन है? कहते जैसे भगवान अष्टम गर्भ में आए, अष्टम गर्भ में ठाकुर जी आए, यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया भक्ति का भी आठ सोपान है, आठ सीढ़ियां हैं। इसलिए अगर कोई भगवान को हृदय में बैठना चाहते हैं,
हमारी हृदय में भी बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए थे। बोले ये कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद और मात्सर्य, ये सबसे बड़े शत्रु अंदर में बैठे हुए। अगर कोई हृदय में भगवान को बैठाना चाहते हो पहले इनको मारो। फिर सप्तम गर्भ में बड़े भ्रते प्रभु कौन? बोले ये स्वयं धाम स्वरूप, ये संधि शक्ति की अधिष्ठात्री देवता को भगवान को धारण करने वाले, जो दस शरीर पंच रसों से भगवान कृष्ण को जो सेवा करते श्री बलदेव प्रभु। और अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान श्री कृष्ण कहीं आए हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण समझ लो, इसको अच्छे तरह से समझो, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए? कहते भगवत प्राप्ति की आठ सीढ़ियां हैं। सीढ़ी का जो पहला सीढ़ी है श्रद्धा। जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा भक्ति है तभी तो कथा सुनने के लिए आए ना। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं होता तो आप आते ही नहीं। पर दूसरा जो सोपान है साधु संघ, श्रद्धा आए तभी तो यहाँ साधु संघ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसलिए दूसरा साधु संघ। बोले तीसरा स्टेज किया है, बोले अनर्थ विवृति। जब हम सत्संग में जब भगवान की हम कथा सुनेंगे क्या होगा? हमारे हृदय में जो पाप जो अनर्थ है धीरे 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 हृदय की ये समस्त अनर्थ दूर होगा। बोले चतुर्थ स्टेज में बोले निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या? फिर भक्ति में इतनी दृढ़ता आ जाएगी भैया सारा दुनिया अगर कुछ विरोध में चली जाए फिर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। जैसे मीरा जी के जीवन में कितने दुख कष्ट आए लेकिन मीरा थोड़ी भगवान को भजन छोड़ दे, भजन नहीं छोड़े। बोले पंचम स्टेज बोले रुचि। रुचि मतलब क्या होता है? हमारी जन्म जन्मांतर के अपराध पाप है इसलिए भगवान के भजन में हमारी रुचि नहीं होता, उसमें हमारी आसक्ति रुचि नहीं होती है। लेकिन जब भक्ति में निष्ठा हो जाएगा ना फिर भगवान की भक्ति हमें इतनी अच्छी लगने लग जाएगी, इतनी अच्छी लगने लग जाएगी फिर तो 24 घंटा प्रभु की भजन करना शुरू कर देंगे। उसको बाद में होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब भगवान की चरण में हमारी इतनी आसक्ति हो जाएगी फिर प्रभु को छोड़ कर दुनिया में कुछ भी नहीं समझेंगे। फिर तो सप्तम स्टेज में होता है भाव। बोले भाव किसको कहते हैं? बोले हृदय जब पवित्र हो जाए सारी गंदी की चीज से, बोले शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जब हृदय संपूर्ण पवित्र हो जाए काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं रहे। कभी कभी ठाकुर जी की मीठी मीठी बंसरी की आवाज सुनने लग जाएंगे, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आकर हमें स्पर्श कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें अमृत पान करा रहे हैं, कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी आकर के स्पर्श कर रहे हैं, कभी कभी हमें ऐसे लगेगा, क्योंकि ये भाव है। और अष्टम गर्भ में भगवान क्यों आए? अष्टम गर्भ प्रेम। जब ठाकुर का प्रति प्रेम प्रकट होगा ना भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन छोड़ करके साक्षात रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान की इसलिए ठाकुर जी अष्टम गर्भ में आए। अभी ठाकुर जी आने वाले हैं। जब देवकी देवी गर्भ धारण की हुई थी 33 गर्भ देवता आकर के गर्भ स्तुति कर रहे थे। बोले सत्य प्रथम सत्य परम सत्य सत्य सजोनीतम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणं प्रपद्ये। 33 गर्भ देवता भगवान को सत्य सत्य बोल के स्तुति कर रहे थे। प्रभु आपका धाम सत्य, आपका वाक्य सत्य, आपका भक्त सत्य, सब आपकी सत्य सत्य बोल के प्रभु आपकी चरण को जो आश्रय ग्रहण करते हैं भव सागर को आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारी चरण को छोड़ करके ज्ञान कर्मों का आश्रय ग्रहण करते हैं
बड़े उच्च पद को प्राप्त करते भी पतन होते हैं, लेकिन तेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। अभी ठाकुर जन्म ग्रहण करेंगे, लेकिन देखो साधारण अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आए ना, उसके लिए कितने स्वागत होता है। अभी त्रिभुवन का मालिक स्वयं आ रहे हैं, वहां पर कितने स्वागत नहीं होगा। इसलिए हम भी ठाकुर को थोड़ा स्वागत करते हैं, बड़े सुस्वागत कृष्ण, सब मिट्टी मिट्टी ताली बजाते कृष्णा तो स्वागत कृष्णा तो स्वागत कृष्णा स्वागत स्वागत कृष्णा कैसे
मथुरा में कंस का कारागार में प्रकट हुई, लेकिन हमारे गोस्वामी वर्ग बड़ी सुंदर कृष्ण के से गोकुल में जन्म हुए हैं। एक कभी करना तो बड़ी सुंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया। कल सवेरे सवेरे हम सुनेंगे कृष्ण के से गोकुल में नंद के लाला बन जाए और नंद बाबा के से आज तक मथुरा में ठाकुर जी प्रकट हुए। कल ठाकुर जी गोकुल में जन्म लेंगे और नंद बाबा के से नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया। और कल हम शाम को सुनेंगे राधा रानी श्री ईश्वरी जी कैसे जन्म लगे। अभी हमारे गोरीलाल प्रभु जी अभी आपको एक तो बधाई सुनाएंगे, फिर आप लोग बधाई सुनकर के प्रसाद लेकर समझाएंगे। समय संक्षेप है, शोर में आनंद लेते लेकर बधाई हो पाएंगे। हेलो चलो नंद के द्वार ओ द्वार नाना के नंद के
से आनंद हो जाए।